Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is narrative writing. Yes. Oh, we will try to discuss it with regard to meaning, purpose, tips for writing an effective narrative, and format of a narrative. Then last of all, we will try, inshallah, a few samples of narrative writing. Okay. Yes, dear students, what a narrative is. Yes, a narrative is an oral or written account of an event. Account of an event, experience or incident in a person's life presented to a reader or a listener in a sequence of written or spoken words. I will again repeat for you people. A narrative is an oral or written account of an event, experience or incident in a person's life, presented to a reader or listener in a sequence of written or spoken words. Spoken words. Often the word narrative is synonymous with story. Narrative. इसको सिनोनिमस लिया जाता है स्टोरी के साथ. जो नैरेटिव है ये फिक्शन भी हो सकता है और नॉन फिक्शन. फिक्शन और नॉन फिक्शन. ओके, नॉन फिक्शन. समटाइम्स देयर इज अ नैरेटर, अ कैरेक्टर और अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स हु टेल द स्टोरी. सो देयर इज अ नैरेटर or character. Okay, narrator or character or series of characters who tell the story. Okay, yes students, who tell the story. Sometimes, as with most non-fictionals, the author himself or herself is the narrator. For example, you are narrators of your own lives all the time. जो हम ज़िंदगी में बोलते हैं, बताते हैं, तो इस लाल से हम narrators हैं. Yes. ये narrative जो है, ये क्यों important है? इसकी importance क्या है? ये हमारी day-to-day life में important है. तो इसे क्या किया जाता है, स्टोरी बताई जाती है, हमारी जो जाती तजुर्बे होते हैं तो इसे हम हासिल करते हैं एम्पैथी एंड सिंपैथी फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस. जो हमारे इर्द गिर्द है वहां से हम एम्पैथी और सिंपैथी हासिल करते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, eight tips for writing an effective effective narrative लिखने के लिए जो आठ छोटी छोटी मगर जरूरी जो बातें हैं. तो
नंबर वन जो है यानी जो पर्सनल नैरेटिव जो होना चाहिए इसको हमेशा लिखना चाहिए हाँ फर्स्ट पर्सन में, इन द फर्स्ट पर्सन दैट इज आई वी आवर यस अस। यस सेकंड पॉइंट एडहर टू द वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट हो उस पर पाबंदी से चलना चाहिए। आमतौर ये होता है 150 to 200 वर्ड। ओके टिप नंबर थ्री, एन आई के जी इंटरेस्टिंग टाइटल, जो टाइटल होना चाहिए ये आई कैचिंग होना चाहिए, आई कैचिंग, अपीलिंग, दिलफरेब, दिलकश और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग टाइटल हाँ, ताकि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला हो उसकी तवज्जो गेन की जाए। टाइटल और क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, हाँ इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी एडुकेट, एडुकेट। ओके देन टिप नंबर फोर और पॉइंट नंबर फोर, अपनी जो हाँ आइडियाज हैं उनको पहले आप जॉट डाउन करो और एक आउटलाइन बनाओ, हाँ जॉट डाउन योर पॉइंट्स, राइट योर पॉइंट्स, व्हाट यू थिंक, ओके हाँ, और एक आउटलाइन बनाओ, आउटलाइन, उसे क्या हो जाएगा आपको ये नैरेटिव लिखना आसान हो जाएगा। ओके डियर टिप नंबर फाइव, डू नॉट मिनिमाइज द डिटेल्स, डोंट मिनिमाइज डिटेल्स, व्हाई, बिकॉज रीडर्स दे हैव रीडर्स they do not have prior knowledge, no prior knowledge, उनको जो prior knowledge वो नहीं होगा आपके बारे में, आपके बारे में तो उसे क्या हो जाएगा वो उनको misunderstanding हाँ पैदा हो जाएगी, अगर कहीं कोई critical detail जो आपने वो छोड़ दी। फिर है पॉइंट नंबर सिक्स, हाँ इलस्ट्रेटिव वर्ड इस्तेमाल करो, यूज इलस्ट्रेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस, इलस्ट्रेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस इस्तेमाल करो, हाँ या ग्राफिक डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करो, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, हाँ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करो, तो इसे क्या हो जाएगा जो रीडर है या लिस्नर है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, हाँ तो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव ना बने, एक रिपोर्ट की तरह, हाँ मसलन ऑफ फ्रेजेस लाइक इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज डिसअपॉइंटेड दैट, आई वॉज डिसअपॉइंटेड दैट, ऐसी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करोगे, या माई वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन ऑन मी, माई वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन ऑन मी, इसी तरह और
ऐसे हम कश्मीरी में कहेंगे सठा नामेद गोस जन प्योम आसमान पेट। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट कोई जो अननेसेसरी अननेसेसरी और इंफॉर्मेशन नेसेसरी इंफॉर्मेशन इसमें ना डालो। क्यों? इसे जो रीडर या लिसनर होगा वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो उसका फोकस नहीं रहेगा। जो स्टोरी या नैरेटिव का मेन थ्रेड होगा वो तो उसे वो दूर हट जाएगा या नैरेटिव से वो रिमूव हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, जो नॉर्मली ये नैरेटिव होते हैं ये होते हैं रियल लाइफ हैपनिंग्स। ये नॉर्मली होती है रियल लाइफ हैपनिंग्स, रियल लाइफ हैपनिंग्स। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम सम फिक्शनल इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड करते हैं तो इससे ये नैरेटिव क्या बनता है, इंटरेस्टिंग बनता है। अगर कभी कभी ट्रू स्टोरी भी हो तो हम उसका ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली बना, ये जो प्लॉट है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो हम डेवलप करते हैं या बिल्ड करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ ए नैरेटिव। यस, जैसे आपने रिपोर्ट या बाकी चीजों का फॉर्मेट पढ़ा या फॉर्मेट, इसी तरह इसका भी एक फॉर्मेट होता है। हाँ, पहले क्या होती है हेडिंग, हेडिंग या जिसको हम आम जबान में टाइटल बोलते हैं। ये टाइटल होना चाहिए शॉर्ट, शॉर्ट होना चाहिए टाइटल। ये एक वर्ड होना चाहिए, वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड और ए फ्रेज। ओके, दूसरा है कंटेंट। हाँ, ये कंटेंट होना चाहिए जैसे हमने बताया कि जो टिप्स आपको बताए गए उसी के हिसाब से आप कंटेंट तैयार करें। लेकिन इसके साथ साथ एक्सप्रेशन भी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन में क्या क्या आपको जरूरत है? एक्सप्रेशन में आपको ग्रामर, ग्रामर वोकेबलरी और वोकेबलरी और स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। उसके साथ साथ कोहेरेंस होनी चाहिए। हाँ, रिलेवेंस, रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल होनी चाहिए। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए नैरेटिव। यस, अगेन आई रिपीट, टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, ये वन वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, नॉट ए फुल सेंटेंस। फिर उसके बाद आपको कंटेंट खा रखना चाहिए, एक्सप्रेशन में ग्रामर वोकेबल स्पेलिंग कोहेरेंस रिलेवेंस ऑफ आइडियाज और स्टाइल का लिहाज होना चाहिए। हाँ डियर स्टूडेंट, टुडे आज के लिए इट इज एनफ। हाँ, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन वी विल ट्राई सम एग्जांपल।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.